సికింద్రాబాద్ కార్ఖానా పిఎస్ పరిధిలో బీటెక్ పూర్తి చేసిన సందీప్ అనే ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ మోసం బయటపడింది. లాలపేటకు చెందిన సందీప్ అనే వ్యక్తి కార్ఖానాలో గ్రిల్ 9 హోటల్ పేరు మీద మరో ఫ్రాంచైజీని ఓపెన్ చేసి ఫుడ్ ఆర్డర్లు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. స్విగ్గీ ద్వారా ఆర్డర్లు వస్తున్నప్పటికీ డబ్బులు జమ కాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన ఆన్లైన్ గ్రిల్ 9 హోటల్ యాజమాన్యం ఆరాతీయగా అసలు విషయం బయటపడింది. స్విగ్గీ ద్వారా ఆన్లైన్ డెలివరీలను చేస్తూ మోసానికి పాల్పడ్డ సందీప్ జొమాటో ద్వారా కూడా మోసానికి పాల్పడేందుకు ప్రయత్నించగా అసలైన గ్రిల్ 9 యజమానికి మెసేజ్ రావడంతో సందీప్ మోసానికి తెరపడింది. గ్రిల్ 9 హోటల్ పేరిట మరో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అందులోకి డబ్బులు దారి మళ్లించినట్లుగా గుర్తించి హోటల్ యాజమాన్యం సందీప్ పై కార్ఖానా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దాదాపు 2 నెలలుగా పదుల సంఖ్యలో ఆర్డర్లు రాగా 25,000 నష్టం వాటిల్లినట్లు హోటల్ యాజమాన్యం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్ఖానాలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఇవ్వగా పరారీలో ఉన్న సందీప్ ను పట్టుకుని రిమాండ్కు తరలించారు. గ్రిల్ 9 పేరుతో సందీప్ ఏర్పాటు చేసిన నూతన ఫ్రాంచైజీకి సంబంధించి కేవలం శవర్మా వరకే ఆర్డర్లు డెలివరీ చేసినట్లు, ఆ సొమ్ము తన ఖాతాలోకి వచ్చేటట్లు సాంకేతికతను వినియోగించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. एक्चुअली थोड़े दिन से जो है ना मेरे अकाउंट्स में जो है पैसे कम आ रहे थे ऑनलाइन सर्विसेज से, जैसे कि स्विगी और जोमेटो. जोमेटो पे उतना नहीं था, स्विगी से कम आ रहे थे. तो मैं देखा कि कोई एक और बंदा जो है ना ग्रिल 9 GRILL 9 है, GRI 4 LLL 9 जो रेस्टोरेंट रन कर रहा और लोकेशन जो है ना पिकअप लोकेशन, फूड पिकअप लोकेशन हमारे ग्रिल 9 का ही दिया, मेन मेरे कारखाना पुलिस स्टेशन के बाजू में बिसाइड हल्दीराम बोल के वहाँ का लोकेशन दिया. फॉर 15-20 दिन से कुछ लोग आ रहे शवरमा, सिर्फ वो बंदा होशियारी करके क्या कर रहा, जो स्कैम करा जिस, उसका नाम संदीप है, लालागुड़े में रहता. तो संदीप जो है ना क्या करा बोले तो उसको मालूम है, उन्हें पहले स्विगी में और जोमेटो में काम करा तो उसको मालूम है कि ग्रिल 9 पे शवरमा के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड रहता और पीक आवर में 7 से 9 बजे के बीच में आ रहा, कम से कम 30-40-50 शवरमे एवरी डे. वो ऐप ऑन कर रहा है उसके पास से, जो स्विगी वाले उसको ऐप दिए, जो रेस्टोरेंट आई डी दिए, वहाँ से उन्हें लॉग इन होके ग्रिल 9 के पास बच्चों को भेजा, मतलब असाइन हो रहे राइडर्स कहाँ पे, मेरे मेन ब्रांच पे असाइन हो रहे और यहाँ से खाना पिकअप कर रहे वो लोग, पिकअप करके जो है ना डिलीवरी कर रहे कस्टमर को, मगर ये संदीप के अकाउंट में थ्रू स्विगी पेमेंट जा रहा हमारा एवरी वीक. तो ये इतना बड़ा स्कैम है. और वो बंदा जो है ना स्विगी पे पैन कार्ड हो गया, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट का फोटो हो गया, अगर ऑनलाइन भी आप शेयर कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी रजिस्टर होना चाह रहे तो पैन कार्ड पूछेंगे आपको, आधार कार्ड पूछेंगे, आपके प्रीमिसेस का लोकेशन बताना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट कैसा है, बाहर का बोर्ड बताना पड़ेगा. और आप जो है ग्रिल 9 एक ट्रेडमार्क है, ग्रिल 9 ट्रेडमार्क में तो ग्रिल 9 का नाम भी आप किसी को दे नहीं सकते बिकॉज ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो ये भी एक है. और स्विगी जो है ना बेफिक्र होके हर तरीके से जो है ना स्विगी वाले इतना लूट रहे भाई, बोलो ना भाई ये इतना बड़ा स्कैम, वो लोग मेरे अकाउंट में तक घुस गया बंदा हो स्विगी के थ्रू, उन्हें हर चीज़ एक्सेस कर रहा मेरी लेके, हर चीज़ जो है ना ऑपरेट कर रहा बैठ के, फिर बाद में ग्रिल 9 के साथ उसको अटैच कर दिए. ग्रिल 9 हैव 3 ब्रांचेस, एक तो मेरा सिकंदराबाद पे कारखाने पे, इसको भी उसमें ऐड कर दिया. शब्द जोमेटो पे ने कोशिश करने गया 2 दिन पहले, फिर भी एक अलर्ट आया कि समवन इज़ लॉगिंग इन योर अकाउंट. जब मैं देखा तो फलाना नाम संदीप है, इमीडिएट मैं पुलिस स्टेशन को आया 2 दिन पहले, आके कंप्लेन करा उसके नाम से. तो पुलिस वाले जो है ना विद इन वन एंड हाफ डे में उसको जो है ना उठा लिया उसके लोकेशन से, और लाने के बाद वो बंदा बोल रहा मैं करा. अब देखना साहब लोग हम बोले कि मैं तो भी कंप्लेंट दे दिया हूँ मैं, और ये आईटी को देते बोल रहे लोग, देखेंगे 60-61 जो भी है आईपीसी उसके नाम पे जो है ना रजिस्टर करते करते. और जो भी है मैं भी रेस्टोरेंट वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अपने अकाउंट चेक करो, और जितने भी सिकंदराबाद और हैदराबाद के जितने भी लोग हैं रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे, जो भी है फिर से एक बार रीचेक करिए, और ऑर्डर आईडी के साथ में जो है ना डिलीवरी पार्टनर को जो है ना उसकी फ़ोटो लेके, या नहीं तो जो भी है ना आप खाना डिलीवर दे रहे हैं. और ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, खाने को भी यहाँ से ले जा रहे हैं, उसके अंदर से स्पिलिश कर दे रहे, फाड़ दे रहे, तोड़ दे रहे, मिसहैंडल कर रहे उसको, कि वो रेस्टोरेंट के ऊपर ही आ रहा, वो पेमेंट भी हमारा डिडक्ट हो जा रहा, और उसके अंदर से कुछ चुरा ले रहे बच्चे. 4 आइटम आ रहे हैं, 4 आइटम में से 1 आइटम खा जा रहे हैं. वहाँ से कस्टमर फ़ोन कर रहा, सर आप आइटम जो है ना सर गलत दे दिए, तो हमारे को उसके लिए रिफंड करना पड़ रहा. स्विगी का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना 25-30-35% तक इन लोग का कमीशन है, उसके बाद में जो है ना लेट आ रहे हैं लोग, और खाना जो है ना सही तरीके से ले जाके कस्टमर तक नहीं पहुँचा रहे, और उनकी गलती भी रहे तो रेस्टोरेंट को ब्लेम कर रहे हैं. एंड सबसे मेन थिंग हम जो रेस्टोरेंट पर देखते हैं, हमारे पास बिरयानी 5 मिनट में रेडी होती है, सपोज़ अगर राइडर असाइन नहीं हुआ 1 घंटे तक
वहाँ कस्टमर को क्या शो करता है आप में मालूम है, फूड इज़ प्रिपेयरिंग, बट फूड इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड वी आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी पार्टनर, मगर ये लोग कस्टमर को ये शो करते हैं तुम्हारा खाना तैयार हो रहा इसलिए तुम लोग जो है लेट हो रहा, ग्रिल लाइन का फॉल्ट है, हमारा बंदा वहीं पे करके वो लोग बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर ये स्कैम तो मैं तो सोचा भी नहीं कि नहीं यहाँ पे लोकेशन डाला सेम नाम से ग्रिल लाइन चला रहा, बट कस्टमर वहाँ से कस्टमर भी फुल हो जा रहे, दुनिया के कस्टमर जो है ना इसको पैसे दे दिए, लाखों रुपये का स्कैम कर दिया है मेरे साथ। जो भी होगा मैं जो है ना अपने कारखाना पीएस और एसीपी साहब को और इंस्पेक्टर साहब को और डीसीपी मैडम है यहाँ पे नॉर्थ जोन के सबको जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी तहकीकात करें। और स्विगी जो है ना बहुत एकदम मतलब बोलते ना लापरवाह, लापरवाही है भाई। जीएसटी नंबर किसी और का, श्री विनायक का करके है, उसका जीएसटी नंबर दिया है ने, वो लोग एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद मैंने कोई फ़ोटो नहीं पूछे उसको, रेस्टोरेंट किधर है लोकेशन नहीं पूछे, एक्सेप्ट कर लिए। इन्हें करेंट अकाउंट देना बिजनेस के लिए, करेंट अकाउंट नहीं दिया इन्हें, इन्हें इसका सेविंग अकाउंट दिया। तो ये जो है सीधा सीधा स्विगी जो है लापरवाही कर रहा। तो मैं पूछा बंदे को तू कैसा एक्सेस लिया, बोले तो मैंने वो लोग मेरे को पूछे एक दो बार, अच्छा यू नो जी आर आई एल 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 लगाए नहीं। उसके बाद में 20 तारीख को 20th को मेकी जो है ना 20 तारीख को जो है ना यू नो क्या करे 20th में को रिक्वेस्ट करे स्विगी से मेल के थ्रू कि भाई मेरे को जी आर आई एल 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 नाइन नहीं होना, मेरे को सिर्फ ग्रिल लाइन होना। तो वो लोग क्या करे, कल की आइडेंटिटी 23rd थी, कल उसको अप्रूवल दे दिए वो लोग, ठीक है तो ग्रिल लाइन के नाम से चला बोल के। अरे ये कैसा है भाई, जब ग्रिल लाइन रजिस्टर्ड है तो स्विगी कैन सी इन देयर ऐप के भाई फलाना फलाना रेस्टोरेंट ऑलरेडी हमारे पास है और रजिस्टर्ड है, हम इनका नाम नहीं ले सकते। तो स्विगी के ऊपर भी जो है ना बहुत बड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है। जोमैटो पे ऐसा हुआ करके हमको मालूम हुआ, इस वजह से ये चीज़ सामने, अगर जोमैटो पे उन्हें लॉगिन नहीं होता था तो ये चलते रहता था पीछे पीछे। और उन्हें शवरमा और बिरयानी रखा, शवरमा सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना देन एंड देर बना के देते, जब डिलीवरी पार्टनर आता तब का तब बिलिंग इशू करते उसको, उन्हें जाना खड़ना शवरमा लेना क्योंकि वो तो ठंडा हो जाता वो, मगर दूसरे आइटम तैयार रहते उसको मालूम है राइडर को कि दूसरे आइटम कुछ नहीं रखा उन्हें मेनू में, शवरमा रखा और बिरयानी रखा जो जिससे बेहतरीन पैसे कमा रहा था उन्हें। और मैं बोला पुलिस वालों को कि रिकवरी करो उसके पास से पैसे और देखो हमारे अकाउंट से भी क्या क्या करा उन्हें, ठीक है थैंक यू। अभी तक उन्हें तो ये देखो जब उन्हें एक फ़ोन से तीन नाम लगा दिया मेरे होटल पे जी आर आई एल 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 नाइन फिर ग्रिल नाइन, तो उसके पास और भी नंबर है, और भी नंबर से उन्हें लॉगिन हुआ रहेगा, लॉगिन होके दूसरा नाम रखा और दूसरे होटलों का भी कुछ कराऊंगा हो सकता, क्योंकि स्विगी वाले जस्ट दे जस्ट उस लोगों को कमीशन होना और पैसा होना। तुम बाढ़ में जाओ ग्रिल लाइन एक ब्रांड है मालूम है, मगर क्या करते करो भाई, हमको पैसा होना। और सरासर स्विगी के ऊपर भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। पहले तो कमीशन खा जा रहे हैं, जीने नहीं दे रहे गरीब लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे, परेशान है उससे बहुत स्विगी वालों से। और ये बात जो है ना ऊपर तक जाना और सारे रेस्टोरेंट्स वालों को भी जो है ना पता चलना कि स्विगी क्या चीज़ है, और स्विगी बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा फेवर होता है। स्विगी का मैं ग्रिल लाइन पर एक्सेस दे दिया उसको, देखो ये बंदे का नंबर है लॉगिन के लिए।